जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, बस दो बातें हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय, फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा, विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। जब मनुष्य सब उपायों से हार जाता है तब उसे भगवान का नाम सूझता है, तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दें, अच्छा हानि क्या है। नाम लिया करेंगे इसी भाव से ले लें, आदत डाल लें, फिर काम होगा ही, क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता, पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है, ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। हुआ यह कि फिर स्वयं नामी खिंच आते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है, दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे, निरंतर भजन होता रहे, निरंतर दिन रात भजन हो। इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1,00,000 नाम जप ना सही, कम से कम 50,000 जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी।